तो हे गाइस, आ चुके एक नई वीडियो के साथ। गाइस, तो इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कुछ नीट टिप्स के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस वाले घर में। और इस वाले घर पे जिन्होंने भी गाइडलाइन वीडियो नहीं देखा है गाइस, तो ज़रूर जाके चेकआउट ज़रूर ज़रूर ही करना जाके, क्योंकि उसमें मैंने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बातें बता रखी हैं जो कि तुम ईजिली इस वाले घर में सर्वाइव कर सकते हो। तो गाइस, वीडियो को शुरुआत करते हैं बिना कोई देरी के। सो गाइस, वीडियो का फर्स्ट टिप स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि थोड़ी सी वीडियो की ग्राफिक थोड़ी सी डल हो सकती है, तो इसके लिए मैं दिल से माफ़ी चाहता हूँ। और तो चलते हैं फर्स्ट टिप्स के बारे में, जानते हैं कि फर्स्ट टिप्स क्या है। तो भाई, पहली टिप्स में हमारी ये आती है कि जीने पे नेट कैसे फेंके। सो गाइस, मान लो कि एनिमी यहाँ पे बैठा हो, जीने पे टीपीपी ले रहा हो, कि मोस्टली एनिमी ना जीने पे ही टीपीपी लेते हैं ताकि आप ऊपर आओ और इजीली आपको किल कर दे। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे कैसे इस एनिमी को पूरा फिनिश कर दें, क्योंकि मोस्टली सोलो में ही ऐसा होता है कि बहुत जने अलग अलग जगह से टीपीपी ले रहे होते हैं, और सोलो में बहुत आसान होता है नेट से मारना। तो आप देख सकते हो गाइस कि मैंने अपने टीममेट को नॉक कर दिया। टीममेट पे भी इतना ही असर होता है नेट का जितना एनिमी पे होता है। तो गाइस, अब बात कर लेते हैं सेकंड टिप्स की। सो गाइस, सेकंड टिप्स स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो सब्सक्राइब का बटन साइड में दिख रहा है उसे दबा दें, और बस इतना ही। और वीडियो को लाइक कर देना, और बस स्टार्ट करते हैं सेकंड टिप्स। तो गाइस, मान लीजिए कि एनिमी यहाँ पे बैठा हो, और क्योंकि यहाँ पे मोस्टली एनिमी बैठते हैं ताकि एनिमी यहाँ से आएगा तो इजीली भर देगा। तो गाइस, इसका भी मैं ट्रिक बताने वाला हूँ कि आप इसे इजीली एनिमी को भर दोगे। तो गाइस, पहले नीचे चलते हैं। इसमें ऐसे नहीं मार सकते, एकदम सीधा नेट फेंकोगे तो सीधा जाएगा। तो फेंकते हैं नेट। गाइस, इस तरह नेट फेंकना ताकि टकरा के दीवार से, वॉल से टकरा के सीधा एनिमी पे गिरे, और टाइमिंग के साथ। तो गाइस, देख लीजिए मेरा टीममेट नॉक हो गया है, तो पहले फटाफट रिवाइव देते हैं। सो गाइस, बात कर लेते हैं थर्ड टिप्स की। तो थर्ड टिप्स में देख सकते हो कि मेरा टीममेट कहाँ बैठा है, क्योंकि यहाँ पे बैठते हैं बहुत जने एनिमी, क्योंकि मैंने कई बार रश किया तो यहाँ पे आते हैं बहुत सारे एनिमी। तो यहाँ पे तो तुम नेट फेंकोगे तो सीधा अंदर आएगा, तो शायद ही नोक हो, शायद ही भाई नोक हो, क्योंकि मोस्टली डैमेज पड़ सकता है बस, क्योंकि भाई एकदम कॉर्नर में है वो, आप देख सकते हो सिर्फ कॉर्नर में है। तो वो सबको ही नेट कहाँ यहाँ पे फेंकेगा, आगे फेंकेगा, और कहाँ फेंक सकते हो। तो मैं बताता हूँ एग्जैक्ट तरीका ताकि आप सीधा बंदे को नोक कर दो। तो गाइस, चलते हैं पहले नीचे। गाइस, यहाँ के एनिमी को मारना काफ़ी डिफ़िकल्ट है, तो देखो कैसे मारते हैं। आपको मेन टाइमिंग के ऊपर ध्यान रखना है गाइस। अगर टाइमिंग थोड़ी सी भी इधर उधर हुई ना, तो मैं कह रहा हूँ आप कुछ भी नहीं, मतलब बंदा नोक ही नहीं हो सकता यहाँ से, क्योंकि मैंने कई बार ट्राई किया। और चलो, तो गाइस फटाफट रिवाइव देते अपने टीममेट को। सो गाइस, फोर्थ टिप्स में बात करने वाला हूँ डिफेंस नेट से कैसे करें। तो गाइस, इसमें ना आपका मेन रोल ईयरफोन के हैं, जो कि आपको एनिमी के लोकेशन बताने में काफ़ी मददगार होते हैं, यानी मदद करते हैं। तो गाइस, जैसे मैंने बताया था कि ईयरफोन की क्या ही रोल निभाती है, जो कि एनिमी की लोकेशन पता करने में। और पहले तो आपको एनिमी जो होता है वो जब पिन खींचता है, तो उसका तो सबसे पहले आप गौर करिए कि पिन कहाँ से खींचा गया है। तो जान लेते हैं डिफेंस कैसे करें। पहली फुर्सत में निकल। तो हाँ गाइस, यहाँ से निकलने में ही भलाई है, क्योंकि यहाँ पे मैंने काफी इस वाले घर पे रिसर्च किया, बट कोई भी मुझे डिफेंस का नेट से डिफेंस करने का कोई भी तरीका नहीं नजर आया। तो यहाँ से पहली फुर्सत में निकलो। तो गाइस, आज के वीडियो में इतना ही। आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और हो सके तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।